ठीक है, मैं शुरू कर दूँ। आज 31 अक्टूबर 2022 हम सरदार वल्लभ भाई पटेल की बर्थ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करते हुए राष्ट्रीय एकता दिवस नेशनल यूनिटी डे एस एस खन्ना गर्ल्स डिग्री कॉलेज की NSS विंग आज यहाँ एकत्रित हुई है और सारे वॉलंटियर के साथ हम इकट्ठा हुए हैं इस शपथ को लेने के लिए, जो जिसे हम कहते हैं राष्ट्रीय एकता दिवस शपथ। अब मैं शपथ पढ़ूंगी और मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप मेरे साथ साथ बोलें। सो मैं शुरू करती हूँ। मैं सदफ सिद्दीकी सत्यनिष्ठा के साथ, मैं शिवशंकर श्रीवास्तव सत्यनिष्ठा से शपथ लेता हूँ कि मैं राष्ट्र की एकता अखंडता और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए स्वयं को समर्पित करूंगी और अपने देशवासियों के बीच ये संदेश फैलाने का भी भरसक प्रयत्न करूंगा। मैं ये शपथ अपने देश की एकता की भावना से ले रही हूँ। जिसे सरदार वल्लभ भाई पटेल की दूरदर्शिता एवं कार्य द्वारा संभव बनाया जा सका। मैं अपने देश की आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अपना योगदान करने का भी सत्यनिष्ठा से संकल्प करती हूँ। अपना योगदान करने का भी सत्यनिष्ठा से संकल्प करता हूँ। जय हिंद। बेटा, जैसा मैम ने अभी कहा और हम सभी यहाँ पर एकत्रित हुए हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल की जन्मदिवस को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाने के लिए, और इनके व्यक्तित्व के और इनके इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में इनके योगदान के कारण, और सबसे बड़ी बात कि जो यूनिफिकेशन था, जो एकीकरण था रियासतों का, उसमें तो मैं ये कह रहा था कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के थोड़ा सा रियासतों के एकीकरण के बारे में हम पर चर्चा करेंगे, आपको बताना चाहेंगे कि बेटा जब देश हमारा भारत देश जब आज़ाद हुआ उसके समय इंडिया में मोर देन 550 कुल प्रोविंसेस थे, राज्य थे, और सभी के लिए अंग्रेज़ों ने भले ही इस देश को स्वतंत्र करने की आज़ादी दी थी कि भारत स्वतंत्र कर दिया जाएगा, लेकिन भारत और पाकिस्तान को विभाजित कर दिया गया था और उसमें ये कहा गया था कि रियासतों के लिए स्वतंत्र छोड़ दिया गया था कि वे चाहें तो भारत में या चाहें तो पाकिस्तान में शामिल हो सकती हैं। अब ये बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय था कि इतनी ज़्यादा संख्या में जो रियासतें थीं उनको कैसे भारत में शामिल किया जाए, या कैसे पाकिस्तान चाहता था कि हमारे में शामिल हो जाए, इंडिया चाहती थी कि हमारे में शामिल हो जाए। ये बड़ा ही कठिन था क्योंकि उनके लिए आज़ादी थी कि वे चाहे तो भारत में शामिल हो सकती हैं, चाहे तो पाकिस्तान में शामिल हो सकती हैं। यह बहुत बड़ा चुनौती था और इसको सरदार भाई वल्लभ भाई पटेल ने बिना किसी रक्तपात के, बिना किसी संघर्ष के
इतनी ज़्यादा संख्या में जो रियासतें थीं इनको भारत में स्वेच्छा से शामिल करने में सफलता पाई थी, इसीलिए इनको कहा जाता है लौह पुरुष मैन, यानी So this is not going to work. Please tell your friends, co-volunteers, that this is a message and please kindly convey this message. Definitely, ma'am. We all will do this. And timely, I am also sending messages on the group that please, like the way we have done it earlier, just that naam logon ne pehle itni excitement ke saath har activity mein part liya hai. इसी तरीके से अभी भी हमें करना चाहिए. एंड आई थिंक इट्स अ वेरी गुड सोर्स अपने माइंड को और एक तरीके का जो स्टिग्मा है उससे रिलैक्स रहने के लिए बहुत अच्छा सोर्स है. आपको अपॉर्चुनिटी भी मिल रही है एनएसएस में अपनी एक्टिविटी करने की, एंड साइमल्टेनियसली आपका माइंड भी एक क्रिएटिविटी की तरफ जा रहा है. सो आई थिंक एवरी वॉलंटियर शुड टेक पार्ट इन ईच एक्टिविटी, नॉट इन एवरी, तो एटलीस्ट कोई एक एक्टिविटी आप सेलेक्ट कर लें, कोई पोस्ट है ऐसे है तो आप उसमें पार्ट ले लें, और वो भी नहीं तो एटलीस्ट फ्लैग सेरेमनी में भाग लीजिए. एंड इट इज वी सी आर वेरी ब्यूटीफुल प्रोफेसर्स हियर, प्रोग्राम ऑफिसर्स, सो उससे भी हमारा दिन अच्छा हो जाता है. थैंक यू, वी ऑल शुड टेक पार्ट. एंड थैंक यू साधिया, एंड आई रिक्वेस्ट रुचि मैम इफ शी हैज समथिंग टू शेयर टुडे. रुचि मैम, I am very happy to see you, Sadaf, here. Thank you so much, ma'am. I remember last year telling you, ma'am, you are so occupied these days. And what is this NSS thing? You are so occupied. I didn't know that I was about to enter that realm. I just was so unaware of it. I'm enjoying it. It's fun also. Like it actually helps me release my stress to interact with the volunteers and to organize these programs or to participate in these programs. It's really, you know,